नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल 19 मई 2023 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अचानक एक सर्कुलर निकाल करके 2000 के नोट को बंद कर दिया। दोस्तों, इस खबर के आने के बाद सभी जगह यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरकार का ये मूव किसी और उद्देश्य से है, न कि केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए कारण क्लीन नोट पॉलिसी का है। क्लीन नोट पॉलिसी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अक्सर जब कभी भी पुराने सर्कुलेशन वाले नोट होते हैं उन नोट को वापस ले लेता है और उनकी जगह नए नोट रिप्लेस करता है। उसके लिए उस डिनोमिनेशन को बंद नहीं करता, जैसे कि 2014 में 100 रुपये के नोट को कुछ सीरीज थी जिनको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बंद कर दिया था, उनको सर्कुलेशन में देना बंद कर दिया और धीरे धीरे वो वापस ले करके उनको खत्म कर दिया। लेकिन इस बार जो 2000 के नोट बंद करके आरबीआई द्वारा वापस लिए जा रहे हैं उनकी जगह कोई 2000 के नोट अब इशू नहीं होंगे। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा यह एक 2016 के नोट के डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी का ही हिस्सा है, जिस समय भारत सरकार द्वारा 500 के और 1000 के नोट बंद करके उनकी जगह 500 के नई सीरीज और 2000 का नोट चलाया गया था। सरकार द्वारा दलील दी जा रही है कि ये नोट केवल 1000 रुपये की नोट की कमी को डिमोनेटाइजेशन के समय दूर करने के लिए जारी किया गया था और 2017 में इसका सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन था। 2019-20 के बाद इसका प्रिंट करना बंद कर दिया गया था और आज की तिथि में जो 2016-17 में मार्च 2017 में जो सर्कुलेशन था उसके आधे के बराबर मार्केट में 2000 का नोट है। दोस्तों, इस नोट की वापसी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निर्देश दिए हैं 23 मई से लेकर के 30 सितंबर तक इन नोटों की वापसी होगी। उसके कई तरीके हैं। एक पहला तरीका यह है कि 20,000 रुपये तक किसी भी बैंक के काउंटर पे ये नोट एक्सचेंज हो सकते हैं, इनकी जगह दूसरे डिनोमिनेशन के नोट आदमी ले सकता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 13 रीजनल ऑफिसेस में भी इन नोटों के एक्सचेंज की जाएगी, क्योंकि इस बार जो नोटबंदी की गई है उसमें 2000 के नोट को लीगल टेंडर जारी रखा है, इसकी वैलिडिटी जारी रहेगी, लेकिन ये नोट सर्कुलेशन से हटा दिया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई स्पष्टीकरण भी दिए हैं कि हमने बैंकों को पहले ही निर्देश दे दिए थे कि अब 2000 के नोट सर्कुलेशन में देना बंद कर दें, एटीएम के द्वारा जारी करना बंद कर दें और जो भी नोट पब्लिक से 2000 के मिलते हैं उनको दोबारा जारी न किया जाए। लेकिन अब फाइनली इसको बंद कर दिया गया है और 30 सितंबर तक इसका सर्कुलेशन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। हाँ, ग्राहक अपने खातों में जो भी राशि जमा कराना चाहेंगे वो करा सकते हैं। उसके लिए आयकर के हिसाब से जो नियम है कि 50,000 से नीचे वो बिना पैन कार्ड के जमा करा सकते हैं, उससे ऊपर जब कैश जमा कराना होता है तो पैन कार्ड का डिटेल देना होता है। इस तरह ये अचानक नोटबंदी कई लोगों को प्रभावित करेगी। उनमें से पहला वर्ग है उन बिजनेसमैन को जो कि हवाला के थ्रू व्यापार करते हैं, क्योंकि 2000 के नोट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफ़ी आसानी रहती है, वो कम से कम जगह घेरती है और एक बंडल में ही 2 करोड़ रुपये आ जाता है, जो कि एक छोटे से अटैची में भी ले जाता है आदमी। तो एक तो हवाला व्यापारियों को परेशानी होगी, दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टीज है जो कि कैश में ये ज़्यादा डील करती हैं, 2 नंबर का पैसा इस्तेमाल करती हैं, उनके लिए भी दिक्कतें आएंगी। जैसा कि आपको मालूम है कि 2014 के बाद अब इलेक्ट्रल बॉन्ड आने के बाद जो सत्तारूढ़ पार्टीज होती हैं उनके पास तो काफ़ी फंड आ जाता है, लेकिन जो पार्टीज सत्ता से बाहर हैं उनके पास फंड ना आने की वजह से वे 2 नंबर का पैसा काफ़ी इस्तेमाल करते थे। और ऐसा भी प्रतीत होता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया ताकि जितने भी ब्लैक मनी है वो पॉलिटिकल पार्टीज इस्तेमाल न कर पाएं और अपना 2000 का नोट आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उन्हें कोई सहूलियत ना हो, इसलिए इस नोट को बंद कर दिया गया। तीसरा कारण ये भी है कि जो 2016 का डिमोनेटाइजेशन हुआ था
उसी में सरकार का एक सोचे समझे योजना थी कि किसी समय आकर के इस 2000 के नोट को भी बंद कर दिया जाएगा और 500 से ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी। चौथा कारण यह है कि ज़्यादातर भ्रष्टाचार के मामले में जहाँ पर भी बड़ी बड़ी रिश्वत दी जाती है वहाँ पर 2000 रुपये का नोट इस्तेमाल होता है, तो यदि ये नोट बंद हो जाएगा तो भ्रष्टाचार के लिए लोगों को छोटे डिनोमिनेशन के नोट ले जाने में दिक्कत हो सकती है और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको उस छोटे डिनोमिनेशन के नोट रखने में भी परेशानियां होती है। जैसे कि आपने कई बार सुना ही होगा, देखा होगा कि जब ईडी और सीबीआई की छापे पड़ते हैं तो अक्सर लोगों के लॉकर में 2000 के नोट ही नज़र आते हैं, क्योंकि वो रखना आसान होता है और छोटी सी जगह में काफ़ी बड़ी रकम के नोट आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे हिडन रीजंस हैं जिनको कि सरकार ने अभी बताया नहीं, लेकिन 2000 के नोट को सर्कुलेशन से अब हमेशा के लिए बाहर कर दिया और उसके असर अगले 6-7 महीने में नज़र आएंगे। दोस्तों, सरकार का ये कदम भ्रष्टाचार को रोकने में कामयाब होगा या मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में कामयाब होगा या हवाला को रोकने में कामयाब होगा या पॉलिटिकल पार्टीज के जो भ्रष्टाचार है उसको रोकने में कम करने में सहायक होगा। दोस्तों, भारतवर्ष में ऐसा लगता है गवर्नमेंट जब कभी भी एक कदम उठाती है तो ऐसे लोग 4 कदम और आगे चल करके दूसरी स्ट्रेटजी बना लेते हैं। और यदि आप राजनीतिक भाषणों में या कहीं पर भी सुने कि भाई भ्रष्टाचार कम हो गया, ये कम हो गया, लेकिन भारत की स्थिति आज भी वही है जो कि पिछले कई दशकों से चल रही है। ना तो भ्रष्टाचार कम हुआ है, ना मनी लॉन्ड्रिंग कम हुई है और ना ही करप्शन कम हुआ, ना हवाला व्यापार कम हुआ। व्यापारियों को अब कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसके द्वारा वो अपना कारोबार करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मुझे इतना ही कहना था, यदि आपके पास 2000 के नोट हैं तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी बैंक में जाकर के उनको बदलवा सकते हैं यदि आपके पास 20,000 रुपये तक ही हैं, अन्यथा आप अपने खाते में जमा करा दीजिए और उसके लिए आपके पास पर्याप्त समय है, 30 सितंबर 2023 तक आप कभी भी जमा करा सकते हैं। इस नोटबंदी में 2016 की नोटबंदी के मुकाबले जनता को बेशक कम परेशानी होगी, लेकिन जिन लोगों को असर होना होगा उन्हें अवश्य कोई नई स्ट्रेटजी ढूंढनी पड़ेगी, अन्यथा उनके कारोबार पे असर होगा। दोस्तों, इस वीडियो में मुझे इतना ही कहना था, आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, साथ ही फाइनेंशियल लिटरेसी के इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यदि इस विषय में कोई पूछना चाहते हैं तो उसके लिए अपना कमेंट अवश्य करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।